किसी भी न्यूक्लियस को, स्टेबल न्यूक्लियस को, उसके सारे पार्टिकल्स में तोड़ देने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए, इसे हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। और स्टेबल न्यूक्लियस में से किसी एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, करेक्ट। अब पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड की गई, सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड की गई। सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप प्रोटियम, इसमें कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है बाइंडिंग एनर्जी? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एकमात्र प्रोटोन ही पार्टिकल है, दूसरा कोई पार्टिकल है ही नहीं जिसके साथ ये बाइंड हो सके, इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। इसके ऊपर कौन सा एटम हुआ? ड्यूटेरियम 1H2, 1H2 जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन है, तो अब इसमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी होगी। उसके ऊपर कौन सा एटम? ट्राइटियम 1S3 जिसमें एक प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन है, इसमें भी कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी फाइंड होगी आपकी। पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड की गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। देखिए बाइंडिंग एनर्जी हमारे लिए कम काम की वैल्यू है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा काम की वैल्यू है। सारे एलिमेंट्स के लिए, सारे न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड कर ली गई, करेक्ट। और फिर उन सारी बाइंडिंग एनर्जीज को एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जिसे हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ग्राफ या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व, यही हेडिंग डालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ग्राफ और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। और इस ग्राफ की एक खास बात क्या है कि 90% बच्चे इसे गलत बना के आते हैं एग्जाम में, केवल 10 में से एक ही बच्चे का इसके एक ग्राफ करेक्ट होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको तरीका बताऊं कि करेक्ट कैसे बनाया जाए, और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास मुझे रहेगा कि वो जो रेशियो बनी हुई है बाय नेचर, क्या 90:10, 90 गलत 10 करेक्ट, वो यहां भी बनी रहेगी। एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे मास नंबर, एक्स एक्सिस पर मास नंबर लेंगे और वाई एक्सिस पर लेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। ग्राफ रेडीमेड आप देख लीजिए बना हुआ। पहले ऐसे देख लीजिए अगर आपको दिख सके, हालांकि दिख तो पाएगा नहीं, पेंसिल से बना हुआ है। आपको ऐसे ही ग्राफ बनाना है पूरा, पूरे पेज पर ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे? तरीका बड़ा सिंपल है, मुश्किल ग्राफ नहीं है ये टिपिकल ग्राफ नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि मिस्टेक करना जन्मसिद्ध अधिकार होता है, गलत करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और सही करना, सही सिखाना आपकी जिम्मेदारी है, गलत करना हमारा अधिकार है। एक्स एक्सिस पर लेंगे मास नंबर, ध्यान से देख लीजिए कैसे ग्राफ बनाएंगे आप, ये एक्स एक्सिस पर ग्राफ नंबर मास नंबर लेंगे, तो आपने ये एक्स एक्सिस बनानी है, बहुत लंबी एक्स एक्सिस बनानी है पूरे पेज पर आपको, ये देखिए। और यहां से जब आप शुरू करेंगे
तो जीरो से आपने शुरू किया और 1 सेंटीमीटर पर आप ये मार्क लगाते चले जाएंगे। कितने सेंटीमीटर पर मार्क है ये? 1 सेंटीमीटर पर ये मार्क लगे हुए हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर पर आपने लिखा है 5। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 5 एटमिक मास नंबर, 5, 10, 20, 20, और यहां तक देखिए ध्यान से 90 तक आपने कंटिन्यू रखा है। 90 के बाद एक ब्रेक देंगे, इसे ग्राफ को एक ब्रेक दे देंगे, यहां ये ब्रेक का निशान है, और फिर वही एक एक सेंटीमीटर लेते चले जाएंगे। और कहां तक बनाना है? 250 तक बनाना है आपको। ये 90 से एकदम 220 पर आ जाना है, बीच में ब्रेक दे दीजिए ग्राफ को ये। ठीक है, एक्स एक्सिस फिर से समझ लीजिए, एक्स एक्सिस पूरे पेज पर आपको बनानी है, एक एक सेंटीमीटर का गैप लेना है और लिखना है आपको मास नंबर कितना, 5, 10, 15, 20। कहां तक लिखना है ये? 90 तक आपको लिखना है लगातार। 90 के बाद में फिर 1 सेंटीमीटर छोड़कर गैप दे दीजिए, ब्रेक दे दीजिए, और फिर 220 से लिखना है कहां तक, 250 तक। ये तो एक्स एक्सिस बनी। अब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर आप 2 सेंटीमीटर का गैप लेके चलिएगा। वाई एक्सिस पर कितना लेके चलेंगे? एक 1 सेंटीमीटर नहीं, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पर आपने लिखा 1, 4 सेंटीमीटर पर आपने लिखा 2, 6 सेंटीमीटर पर आपने लिखा 3, और ये पूरी y एक्सिस आपकी इस तरह कहां 10 तक पहुंच जाएगी। लेंथ ये है 20 सेंटीमीटर, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और पहुंच गए आप कहां तक, 10 तक। और यहां आपने लिखा है, यहां क्या लिखा है, y एक्सिस पर आपकी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, जल्दी से x और y एक्सिस बनाइए। बाइंडिंग एनर्जी तो फाइंड करी जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में सबके लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबके लिए फाइंड की। ठीक है, लेकिन इस ग्राफ में हम कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी ही शो करेंगे, जो ऑकवर्ड पड़ रही है, जो लाइन के ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर जा रही है, उन्हें हम शो करेंगे। तो सबसे पहली बाइंडिंग एनर्जी हम शो करेंगे यहां ड्यूटेरियम की, 1H2 की। ठीक है, कितनी है 1H2 की बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी 1H2 की देखिए, ये हमने यहां सब बना रखा है, पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, ड्यूटेरियम को, 1H2 जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगला पॉइंट हम शो करेंगे किसको, बोरोन, नहीं बी पॉइंट है 2He4 हीलियम के लिए, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी एकदम से बढ़कर 7.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन है। तीसरा पॉइंट सी हम शो करेंगे लिथियम के लिए, डी हम शो करेंगे कार्बन के लिए, ई शो करेंगे नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और उसके बाद दो पॉइंट और यहां बने हुए, आयरन और सीधे सीधे फिर उसके बाद यूरेनियम। करेक्ट, लेकिन यहां इस ग्राफ के शुरू में क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए हमने यहां पॉइंट्स ABCD डाल लिए और ABCD अपने यहां नीचे बना दिए। तो सबसे पहला पॉइंट ए पॉइंट कहां, ड्यूटेरियम का, 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मास नंबर इसका कितना है, 2, मास नंबर है 2। तो देखिए पॉइंट ए हमने कैसे ड्रॉ किया, ये 0 था और यह 5 है मास नंबर, तो 2 मास नंबर ये पड़ा, यहां आपकी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कहां शो करेंगे, इस 2 मास नंबर के ऊपर और 1 से थोड़ा सा ऊपर, एक्स एक्सिस पर 2 से और वाई एक्सिस पर 1.1 से। यहां आप एक डॉट लगा दीजिए, ए लिख दीजिए इस डॉट को, अपने ग्राफ में डॉट लगाइए। कहां लगाएंगे डॉट, मास नंबर में 2 से ऊपर आना चाहिए और y एक्सिस पर कहां, 1 से थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, तो 1.1 हो जाएगा, लिख दीजिए इसे A। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें ड्रॉ करना है हीलियम के लिए, किसके लिए, हीलियम के लिए। तो हीलियम का मास नंबर कितना, 4, ये देखिए 5, पहली लाइन आपकी 5 पर आ रही है, तो 4 कहां होगा, इससे थोड़ा सा पीछे होगा 4, इस डॉटेड लाइन से थोड़ा सा पीछे है 4, और एनर्जी है इसकी 7, तो 7 के सामने और y x एक्सिस पर 4 के ऊपर एक पॉइंट लगा दीजिए, बी पॉइंट लिख दीजिए इसे, एग्जैक्टली 7 के सामने और 4 के ऊपर पॉइंट आप लिख दीजिए बी।
ठीक है। अगला पॉइंट हमें ड्रॉ करना है किसके लिए, लिथियम के लिए, जिसका मास नंबर 7 है और बाइंडिंग एनर्जी है 5.6। तो 7 कहां जाएगा, देखिए ये 5 आपका बना हुआ था, ये 10, और 10 और 5 के बीचों बीच 7.5 है ना, 7.5 से थोड़ा सा कम, यहां यहां से आप ऊपर उठाते चले जाइए, ये आपका पॉइंट आ गया सी, और सामने कितना सी की एनर्जी है आपकी 5.6, सी लिथियम की एनर्जी कितनी 5.6। तो अब यहां देखिए 5 और 6 के ठीक बीचों बीच होगा 5.5, 5 और 6 के बीच 5.5, और ये 5.6 है, तो 5 और 6 के आधे से थोड़ा सा ऊपर लेकर के ये पॉइंट बना दीजिए सी। करेक्ट बना। अब उसके बाद डी पॉइंट बनाना है हमें किसके लिए, कार्बन के लिए, कार्बन जिसकी की बाइंडिंग एनर्जी 7.8, मास नंबर कितना है कार्बन का 12। तो 12 कैसे बनाएंगे, देखिए ये 10, 10 के बाद में 12 यहां पड़ेगा, और यहां से सीधे आप ऊपर उठाते चले जाएं, ऊपर उठाते चले जाएं किसके सामने तक, कार्बन 7.8, यहां देखिए 7, 7 के बाद में ये 8 है, 8 से थोड़ा सा नीचे 7.8 आएगा, 7.8 के सामने और एक्स एक्सिस पर 12 के ऊपर पॉइंट लगा दीजिए डी, वाई एक्सिस पर 8 से थोड़ा सा नीचे लीजिए और एक्स एक्सिस पर 12 के ऊपर सीधे आइए, नीचे से 12 के ऊपर आइए, डी पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद ई पॉइंट हमें बनाना है नाइट्रोजन 14 के लिए, नाइट्रोजन 14 जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मास नंबर है 14। तो 14 कहां से बनाएंगे, देखिए ये रहा 15 आ रहा है एक्स एक्सिस पर, मास नंबर 15, 15 से थोड़ा सा पीछे से यहां 14 पड़ेगा, इसे आप ऊपर उठाते चले जाइए, 15 के पीछे ये 14 आ गया, और वाई एक्सिस पर किसके सामने लेना आपको 7.5, यानी कि 7 और 8 के ठीक बीचों बीच लेकर के इसके सामने पॉइंट बना दीजिए ई। एक्स एक्सिस पर कहां 15 से थोड़ा सा पीछे लेंगे, जो 14 को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन होगी आपकी, ये आया आपका 14 के ऊपर और 7.5 के ठीक सामने, यानी 7 और 8 के बीचों बीच आप जो पॉइंट आपका पड़ रहा हो वाई एक्सिस पर, इसके सामने पॉइंट ई लगा दीजिए। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है पॉइंट एफ, पॉइंट एफ ऑक्सीजन 16 के लिए, तो ऑक्सीजन 16 कहां पड़ेगा, एक्स एक्सिस पर देखिए आपका ये 15 बन रहा है, यहां 15 से थोड़ा सा आगे पड़ेगा 16, और यहां 16 के ऊपर लेते चले जाइए 16, और बाइंडिंग एनर्जी ऑक्सीजन की है 8, तो 16 के ऊपर एग्जैक्टली 8 के सामने, ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, यहां बनना चाहिए था डी पॉइंट, एग्जैक्टली 8 के सामने और 16 के ऊपर आप पॉइंट लगा दीजिए, ये पॉइंट आपका बना डी पॉइंट। करेक्ट, हाँ हाँ, एफ एफ। उसके बाद आपका जी पॉइंट आना है, हाँ ये पॉइंट एफ, ठीक है ठीक है, एफ पॉइंट, और फिर जी पॉइंट आना है किसके लिए, आना ऑक्सीजन 18 के लिए, ऑक्सीजन 18 कहां बनाएंगे आप, ये 20 है, 20 से पीछे 18 पड़ेगा, ऑक्सीजन 18 बनाना अब हमें, तो सॉरी फ्लोरीन, फ्लोरीन का आइसोटोप जिसका मास नंबर 18 है, फ्लोरीन 18 बनाना, तो 18 कहां पड़ेगा आपका, 20 से थोड़ा सा पहले पड़ेगा, यहां से सीधे इसके ऊपर लेते चले गए आप, ये रहा पॉइंट जी, और कितनी इसकी एनर्जी है, इसकी फ्लोरीन की एनर्जी है 7.8, तो 7.8 के लिए आपने 8 से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट बना दिया जी पॉइंट। डी, हाँ डी के लगभग सामने ही बनेगा, क्योंकि डी और ई दोनों की एनर्जी एक जैसी है 7.8 7.8, तो डी के सामने ही आएगा जी भी, लेकिन जी का, जी बनेगा कहां, 20 से थोड़ा सा पहले 18 के ऊपर। क्लियर है, ओके। अब इसके बाद आपको बनाना है आयरन, आयरन जिसका मास नंबर है 58, तो 58 कैसे बनाएंगे, यहां देखिए आपके एक्स एक्सिस पर बन रही है, ये एक्स एक्सिस पर यहां 55 है, 60 है, इनके ठीक बीचों बीच 58, 57.5 पड़ेगा, तो यहां 55 और 60 के एग्जैक्टली सेंटर से थोड़ा सा आगे लेकर के आप क्या बना दें,
ये इसके ऊपर बना दीजिए, और वाई एक्सिस पर कहां बनाना, 9 से थोड़ा सा नीचे, वाई एक्सिस पर कहां लेना, 9 से थोड़ा नीचे, क्योंकि ये 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आयरन आप ड्रॉ कर दीजिए, यहां आयरन जिसका मास नंबर 56 है, इसका मास नंबर, आयरन का मास 56 है और बाइंडिंग एनर्जी है 8.8, तो 56 के ऊपर आप ड्रॉ करेंगे इसे। ये 55 है, 55 से थोड़ा सा आगे लेकर 56 के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। अगला पॉइंट आपको ड्रॉ करना है, बना लिया आपने आयरन सब, आयरन का पॉइंट ड्रॉ कर लिया, आयरन 56, बाइंडिंग एनर्जी 8.8, और अब सीधे आपको ड्रॉ करना है कहां, 235। तो यहां देखिए आपने 235 बना रखा है, 230 235 एग्जैक्टली 235 के ऊपर ले जाइए, और बाइंडिंग एनर्जी है 7.6। तो वाई एक्सिस पर कहां जाना है, देखिए 7.6 कहां पड़ेगा आपका, इस 7 और 8 के बीचों बीच से थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा, ये आप ले गए कहां, 7.6 के सामने और 235 के ऊपर यूरेनियम 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। अब इसके बाद आपको ग्राफ पूरा करना है, कैसे कि जो पॉइंट्स आपने ड्रॉ किए इन्हें मिलाते चले जाओ, पॉइंट ए ड्रॉ किया था आपने, फिर पॉइंट बी ड्रॉ किया था, सीधा मिला दिया, बी से सी, सी से डी, डी से ई, एफ और जी, ये आपके ग्राफ के पीक्स आ गए, बाकी सारे के सारे न्यूक्लियस इनके बीच में होंगे कहीं। उसके बाद जी से लेकर एफ तक आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी, बल्कि एक कर्व ड्रॉ करना है, स्मूथ कर्व, घूमता हुआ स्मूथ कर्व, जो हाईएस्ट पॉइंट एफ पर जाकर पूरा होगा। एफ इस पूरे कर्व का एफ हाईएस्ट पॉइंट बनेगा, एफ इज द हाईएस्ट पॉइंट इस पूरे कर्व का, कहां से, जी से आपने कर्व शुरू किया आयरन तक, और फिर इस आयरन से आपने कर्व को नीचे लेते चले गए सीधे सीधे कहां तक, यूरेनियम तक, करेक्ट। ग्राफ ड्रॉ कीजिए बहुत ध्यान से, देख लीजिए एक बार फिर से, पॉइंट ए से शुरुआत की, स्केल रखिए और पॉइंट बी को सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, बन गया, पॉइंट बी और सी को ज्वाइन कर दीजिए स्केल से, सी और डी को ज्वाइन कर दीजिए, डी ई एफ जी को ज्वाइन कर दीजिए, ये तो सीधे सीधे स्केल से, और फिर जी से लेकर आयरन तक, जी से लेकर आयरन तक आपका स्मूथ बनेगा कर्व फ्री हैंड से विदाउट स्केल। और आयरन ध्यान रखना, आयरन मस्ट बी द पीक, इस पूरे कर्व का हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए आयरन, आयरन तक ऊंचा उठता जाता है ग्राफ, और आयरन के बाद ये ग्राफ फिर वापस नीचे की तरफ आने लगता है यूरेनियम तक। ये हमने लिखा है पॉइंट ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1H2 को, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 1.1 MeV है, MeV पर न्यूक्लियॉन है ये, और ये बी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है हीलियम को, सी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है लिथियम को, डी पॉइंट कार्बन, ई पॉइंट, जल्दी से सारे पॉइंट लिख लीजिए फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं इसका, बड़ा प्यारा इंटरप्रिटेशन है। अब देखिए ध्यान से, इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आपके एग्जाम में आता बहुत ज्यादा, या तो ग्राफ बनाने के लिए आ जाता है, या ग्राफ आपको दिया जाएगा और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस ग्राफ से क्या क्या बातें सामने निकल कर आ रही, इसको देखते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये निकल कर आ रही है कि जो छोटे न्यूक्लियस है, जिनका साइज छोटा है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है। सबसे छोटा न्यूक्लियस ड्यूटेरियम का, इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम 1.1, और जो बड़े न्यूक्लियस है, जिनका मास नंबर ज्यादा है, जो एक्स एक्सिस पर ज्यादा पहुंच रहे, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बड़ी है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है, करेक्ट। और फिर क्या हुआ कि जो बहुत ही बड़े न्यूक्लियस है, जिनकी जिनका मास नंबर 200 से ज्यादा आ रहा है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी फिर से कम होने लगी, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, वो फिर से कम होने लगी। ध्यान से देखिए कि जो छोटे न्यूक्लियस है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, यहां मास नंबर, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती रहती, कहां तक, आयरन पर, आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है,
और आयरन के बाद से फिर से बाइंडिंग एनर्जी मास के साथ साथ क्या होती है, घटती चली आती है। यूरेनियम या इसके बियॉन्ड भी, हम सिर्फ यूरेनियम तक बनाते हैं लेकिन इसके बियॉन्ड भी बाइंडिंग एनर्जी घट रही है। पहली बात तो ये निकल कर आई। एक बात ध्यान से देखिए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है। एक एलिमेंट है, एक न्यूक्लियस है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 2 MeV। एक दूसरा बाइंड न्यूक्लियस है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 5 MeV। इसका मतलब क्या है, जो पहला न्यूक्लियस है उसमें से एक पार्टिकल निकालने के लिए, एक न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए आपको 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क करना पड़ेगा, और जो दूसरा है उसके न्यूक्लियस में से एक पार्टिकल बाहर निकालने के लिए आपको 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क करना पड़ेगा। ज्यादा करना पड़ेगा ना, किसको तोड़ना मुश्किल है, दूसरे वाले को। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, दूसरा वाला। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उतना ही मजबूत बंधा हुआ न्यूक्लियस, उतना ही स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होगी उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल है, मतलब वो न्यूक्लियस इंटैक्ट है, बंधा हुआ है। तो क्या पता चला इससे कि जो बहुत छोटे न्यूक्लियाई हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम है वो अनस्टेबल है, वो ज्यादा मजबूती से बंधे हुए नहीं है उनके न्यूक्लियॉन्स। और जो बहुत बड़े न्यूक्लियाई हैं यूरेनियम के आसपास के, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी कम है, मतलब वो भी बहुत मजबूत न्यूक्लियस नहीं है। सबसे ज्यादा मजबूत न्यूक्लियस किसका है, आयरन का। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मैक्सिमम है पूरे पीरियडिक टेबल में। पूरे पीरियडिक टेबल में आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे बड़ी है। आयरन का न्यूक्लियस बाकी सारे न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है आयरन का न्यूक्लियस। आयरन के न्यूक्लियस को तोड़ना, आयरन के न्यूक्लियस में से एकाध प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालना है बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। आयरन को तो हिलाना ही मुश्किल है, आयरन के न्यूक्लियस में तो छेड़छाड़ करनी ही मुश्किल है, नहीं हो पाएगी। जो स्टेबल है और एक न्यूक्लियस अनस्टेबल, एक न्यूक्लियस स्टेबल है ना, स्टेबल और अनस्टेबल कैसे। एक तो आम बढ़िया एकदम, और एक आम का अचार है, तो दोनों आम कौन स्टेबल है, अचार ज्यादा स्टेबल है। अच्छा कैसे बता दीजिए अचार ज्यादा स्टेबल है, नहीं मैं तो खा कू का खत्म करूंगा उसको, अभी कहां गई स्टेबिलिटी उसकी। क्योंकि आप जानते हैं, आप कई एक्सपीरियंस है कि अचार बहुत लंबे टाइम तक टिक सकता है और आम नहीं टिक पाएगा, उसे तो आज कल खत्म करना पड़ेगा और ना खराब हो जाएगा। जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा लंबे टाइम तक टिका रहेगा। कौन है ज्यादा स्टेबल पूरे पीरियडिक टेबल में, आयरन। और यही रीजन है कि अर्थ में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट आयरन है। क्यों, क्योंकि आयरन जब बना तो जब से लेके अब तक वैसा का वैसे ही है बना हुआ। हल्के न्यूक्लियस भारी न्यूक्लियस जब बने तो ये बदल गए किसी दूसरे में, डीके हो गया इनका, गल गए, खराब हो गए, कुछ और बन गया इनका। आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन है, आयरन। आप अपने घर के नीचे खोदाई शुरू कर दो, आयरन के ढेर लगे मिलेंगे आपको। आप अपने घर जाओ, कमरे के नीचे खुदाई करनी शुरू कर दो, आयरन ही आयरन, आयरन लोहे लोहा भरा पड़ा है बिल्कुल। जो अर्थ का सेंट्रल पार्ट है, कोर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सेंट्रल पार्ट है अंदर, जो सबसे अंदर का अर्थ की गुठली, आम बिल्कुल अर्थ का स्ट्रक्चर आम के जैसा है, ऊपर छिलका है, फिर बीच में पल्प है और सबसे अंदर गुठली है।
तो जो अर्थ की गुठली है ना वो ठोस आयरन की बनी हुई है बिल्कुल। आपको सरिया वरिया लाने की जरूरत नहीं है, बस नीचे तक उतार लो अपना एक पाइप, उसमें से अपना आयरन वायरन खींचो, लेंटर वेंटर में लगा दो, काम पक्का। अब एक और इंटरप्रिटेशन, इसका बहुत प्यारा इंटरप्रिटेशन है और जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और याद कीजिए बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली क्या है, एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ड्यू टू सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो फिर ये एनर्जी कैसी है? इट इज नेगेटिव, हर एलिमेंट की, हर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव ही है। किसी की कम नेगेटिव, किसी की ज्यादा नेगेटिव। कौन ज्यादा स्टेबल है? जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा नेगेटिव है, करेक्ट। और यहीं से आइंस्टीन ने कहा कि एक बड़े न्यूक्लियस को तोड़कर अगर आप दो छोटे न्यूक्लियस बना देंगे तो ढेर सारी एनर्जी मिलेगी आपको। आइंस्टीन ने सिर्फ इतनी बात कही कि एक बड़े न्यूक्लियस को लो और कोई तरीका निकाल लो इसे तोड़ने का। अगर आप तोड़ करके ज्यादा छोटा न्यूक्लियस बना देंगे, एक न्यूक्लियस के तोड़कर दो छोटे न्यूक्लियस बना देंगे अगर आप, तो क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव पहुंच जाएगी। यूरेनियम जिसकी बाइंडिंग एनर्जी लेस नेगेटिव है 7.6, और आयरन जिसकी एनर्जी मोर नेगेटिव है 8.8। और मोर नेगेटिव कब होगी? जब आप कुछ बाहर निकाल लें। बाल्टी खाली कब होगी आपकी पानी से भरी हुई? जब उसमें से कुछ निकाल लेंगे। दूध आपका कम कम कब होगा ग्लास में से? जब कुछ पी लेंगे उसमें। तो उन्होंने कहा कि यूरेनियम को तोड़ के दो या चार या छह आयरन जैसे न्यूक्लियस बना दो इसमें से, तो अब बाइंडिंग एनर्जी मोर निगेटिव हो जाएगी और जो इन दोनों का डिफरेंस है ये एनर्जी बाहर निकल जाएगी हीट की फॉर्म में, ढेर सारी एनर्जी। कितनी एनर्जी? ढेर सारी। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बहुत रफ आइडिया, एक बहुत रफ कैलकुलेट। अगर आपके पास एक इतना बड़ा, एक क्रिकेट की बॉल के बराबर का अगर कोयले का टुकड़ा हो तो उसको जलाकर आप कितना काम कर पाएंगे? चिकन बिरयानी तो नहीं बन पाएगी, एक दो कप चाय बन जाएगी बस, है ना? दो चार कप चाय बन जाएगी बस, इतने बड़े क्रिकेट के बॉल के बराबर कोयले के टुकड़े से। और अगर उस पूरे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो पता कितनी एनर्जी निकलेगी? दिल्ली जैसा पूरा शहर पिघल जाएगा, दिल्ली जैसे पूरे शहर की बिल्डिंग्स और रोड्स और सब कुछ पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लावा की तरह पिघलकर बहने लगेगा, इतनी एनर्जी निकलेगी। आइंस्टीन ने बताया कि बड़े न्यूक्लियस को अगर आप तोड़कर छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर दें तो बाइंडिंग एनर्जी लेस निगेटिव से मोर निगेटिव चली जाएगी। निगेटिव कब जाएगी? जब कुछ बाहर निकल जाए। दोनों का डिफरेंस हमें बहुत सारी, बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगा। और बिल्कुल ठीक इसका कन्वर्स देखिए ध्यान से, कि हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 7 गुना है। उन्होंने कहा कि दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस को मिलाकर के एक हीलियम का न्यूक्लियस बना दो तो भी बाइंडिंग एनर्जी लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव, और ये तो डिफरेंस बहुत ही बड़ा वाला डिफरेंस है। यहां निकलने वाली हीट एनर्जी एक शहर को नहीं, आसपास के 3-4 शहर को भी पिघला देगी, इतनी तकड़ी हीट एनर्जी निकलने वाली है। दोनों ही प्रोसेस में आपको एनर्जी मिलेगी, न्यूक्लियर फिजन में भी अगर आप बड़े न्यूक्लियस को तोड़कर छोटा न्यूक्लियस बना देते हैं, बड़े न्यूक्लियस को तोड़कर छोटे न्यूक्लियर बना देते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में भी एनर्जी मिलेगी,
और अगर छोटे न्यूक्लियाई को जोड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी आपको एनर्जी मिलेगी। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में मिलने वाली एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलने वाली एनर्जी पर यूनिट मास से कहीं ज्यादा होगी। यानी 1 किलो यूरेनियम को अगर आप फ्यूजन करेंगे तो जितनी एनर्जी यहां से मिलेगी उससे बहुत ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी, जब आप 1 किलो हाइड्रोजन को कंबाइन करके हीलियम बना दें पर यूनिट मास। क्लियर हुई सारी बातें? ठीक है, लिखते रहते हैं। अच्छा, एक छोटी सी इसमें एक छोटा सा रीजन और बना लीजिए, जो आयरन और उसके आसपास के एलिमेंट्स हैं, आयरन और उसके आसपास के एलिमेंट्स हैं, ये स्टेबल है। आयरन तो चलो मोस्ट स्टेबल है, आयरन तो मोस्ट स्टेबल है, लेकिन इसके आसपास के जो इसके अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त हैं वो भी काफी स्टेबल है। तो फिर हमें एक रीजन मिलता है कहां से, जो लगभग लगभग 20 मास नंबर 20 से शुरू होकर के मास नंबर 220 तक जाता है। इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 20 वाली तो लाइन आपके पास है ड्रॉ ऑलरेडी, एक 220 पर भी आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए डॉटेड, और इस पूरे रीजन को बना दीजिए रीजन ऑफ मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई 20 से लेकर के 220 तक। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फॉर लाइटर न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज स्मॉल। फॉर लाइटर न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज स्मॉल, ब्रैकेट में लिखिए 1.1 MeV फॉर 1H2, 1.1 MeV फॉर 1H2। Which increases with mass number. Up to iron Fe56, and then start decreasing. With the increase in mass number. There are sharp peaks. Corresponding to 2He4, 2He4, 6C12, 8O16, 8O16, etc. नहीं, बस ये तीन लिखेंगे क्योंकि ऊपर है ना, हाईएस्ट पीक पे। Representing that these elements are more stable.